सो ये है Vivo V सीरीज का लेटेस्ट फोन Vivo V30 एंड इसको मैंने बहुत अच्छे से यूज कर लिया है। मार्केट में ये ऑफर्स लगाने के बाद आपको 30-31 हज़ार रुपए का देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में यही इन डेप्थ ऑनेस्ट तरीके से जानेंगे कि क्या आपको ये फोन बाय करना चाहिए या इसको स्किप करना चाहिए। चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। बहुत से व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कभी ना कभी तो आपको मेरी वीडियो से फायदा पहुंचा ही होगा, तो उसी बहाने से चैनल को अभी फटाफट सब्सक्राइब कर दो। यहां पर लेटेस्ट फोन के ऑनेस्ट रिव्यू आपको देखने को मिल जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं योगी मोबाइल सीईओ को शाउट आउट देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें सही प्राइस पर बहुत जल्दी फोन को प्रोवाइड करवा दिया था। मैंने यहाँ पर जब इस फोन को पहली बार बॉक्स से निकाला था तो मेरे माइंड में एक ही ख्याल आया था कि भाई वीवो ने ये कितना पतला फोन बना दिया। और तो यहाँ पर आपको इसके बैक साइड में कलर चेंजिंग ग्लास भी देखने को मिल जाता है, जो कि आई थिंक थोड़ा पुराना ट्रेंड हो गया है। वैसे इस बार वीवो ने बैक साइड में एक बड़ी सी रिंग लाइट दी है जिसको वीवो ऑरा लाइट कहता है, एंड जो येलो एंड व्हाइट पर स्विच हो जाती है जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड ब्राइट है। वीवो एंड ओप्पो के फोन वैसे भी डिजाइन के मामले में तगड़े आते हैं, तो यहाँ पर डिजाइन को लेकर आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है। इवन यहाँ पर जो वेट मैनेजमेंट है वो भी बहुत कमाल तरीके से करा गया। फोन यहाँ पर बड़ा है उसके बाद भी जरा सा भी बल्कि फील नहीं होगा। एंड यहाँ पर ये अच्छा है कि इतने स्लिम डिजाइन में आपको 5000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसको देखकर मैं शॉक्ड हूँ कि इतने पतले डिजाइन में 5000 mAh की बैटरी कैसे आई होगी। बाकी का जो चार्जर है वो 80W का है, तो ये आराम से फोन को 48 मिनट में चार्ज कर देता है। बैटरी भी इसकी बहुत तगड़ी चलती है, पूरा एक दिन आपका इजिली निकाल देगी। तो बैटरी चार्जिंग के मामले में तो वीवो का V30 पूरी तरीके से सॉर्टेड है। वहीं जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो मुझे थोड़ी सी कमजोर साइड लगी, क्योंकि इसके अंदर आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिल जाता है। वैसे प्रेस करने पर कोई भी चुरमुर की आवाज नहीं आती है। नॉर्मली अगर आप होल्ड करोगे तो फोन आपको मजबूती फील होने वाला है। बाकी का पोर्ट्स में यहाँ पर हेडफोन जैक नहीं मिलता है। अच्छी कॉल क्वालिटी के लिए माइक दिए गए, लेकिन यहाँ पर स्पीकर्स में कंजूसी कर दी गई है। ओनली सिंगल स्पीकर दिया गया है। 30,000 रुपए प्राइस ब्रैकेट है, उसके हिसाब से यहाँ पर डुअल स्पीकर तो होने चाहिए थे। बाकी का यहाँ पर जो सिम ट्रे है उसके अंदर आप 2 5G सिम लगा पाओगे। एक्सटर्नल एसडी कार्ड का सपोर्ट नहीं दिया गया है। और तो यहाँ पर आपको 15 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं। 5G की स्पीड आपको बहुत तगड़ी मिल जाएगी। एयरटेल एंड जियो का जो इंडिया में फ्री 5G चल रहा है उसको आप इजीली इसमें यूज कर पाओगे। बात करें यहाँ पर इसके डिस्प्ले की, तो वीवो ने यहाँ पर बहुत ही रापचिक काम करा है। इसके अंदर आपको 6.78 इंच का एक 1.5K कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी 1 बिलियन कलर्स वाला। HDR10 एज वेल एज 120Hz का भी सपोर्ट फोन में दिया गया है। बेजल्स यहाँ पर ना के बराबर है। बाकी का इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन डिफॉल्ट 1080p पर आता है। इस फोन के डिस्प्ले की सेटिंग में जाकर यहाँ पर रेजोल्यूशन को आप 1.5K कर लेना। मैंने इस फोन में बहुत सारी वीडियोस वॉच करी हैं, एक्सपीरियंस मुझे नेक्स्ट लेवल मिला है। कलर्स बेहतरीन आते हैं, व्यू एंगल्स भी कमाल के, इवन इसका डिस्प्ले भी अच्छा खासा शार्प है। मैक्स वीडियो यहाँ पर आप 4K HDR पर चला पाओगे। एंड यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इशू फेस करा, 4K HDR पर कभी कभी वीडियो अटकने लगती है, लेकिन पॉज एंड प्ले करोगे उसके बाद ये ठीक हो जाती है। मे बी ये यूट्यूब का ग्लिच हो सकता है, जिसको वीवो को बहुत जल्दी सॉल्व कर देना चाहिए। देखो यहाँ पर Vivo V30 का जो डिस्प्ले वो काफी ज्यादा तगड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर Vivo ने सिंगल स्पीकर देकर मेरा दिल तोड़ा है। एक तो 30,000 रुपए हम फोन में दे रहे हैं एंड यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस वीडियो वॉचिंग से तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो आपको डुअल स्पीकर लाइक देखने को नहीं मिलती है। Vivo V30 के डिस्प्ले में वीडियो देखने में इसलिए भी इतना ज्यादा मजा आता है क्योंकि इसकी जो नॉर्मल ब्राइटनेस है वो 1200 nits की, यानी कि इंडोर ब्राइटनेस आपको 1200 nits की मिलती है, जिससे आपकी जो वीडियो है वो काफी ज्यादा ब्राइट एंड शार्प रहती है। वहीं अगर आप आउटडोर में फोन को ले जाओगे तो यहाँ पर आपको 2800 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। डायरेक्ट सनलाइट में भी आप इस फोन को इजीली यूज कर पाओगे। तो डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट है, इसलिए इसकी जो क्वालिटी है वो आपको और तगड़ी देखने को मिल जाती है। लास्ट में ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, 1.5K डिस्प्ले जिसके कारण ये और भी ज्यादा शार्प लगता है। बाकी का Vivo V30 के डिस्प्ले की एक सेटिंग को देखकर मुझे उसको चूमने का दिल चाहता है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो 120Hz मिलता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज है। और तो यहाँ पर अंदर से आपको एक सेटिंग भी देखने को मिल जाती है, जो भी एप्लीकेशन 120Hz पर नहीं चल रही है अंदर से जाकर उसको ऑन कर दो एंड आपकी जो एप्लीकेशन है वो 120Hz पर चलने लग जाएगी। आई होप ये जो सेटिंग है वो Redmi एंड Realme के मोबाइल में भी आनी चाहिए, जिससे उनके फोन्स पूरी तरीके से 120Hz पर चलने लग जाएं। वैसे ये 120Hz वाली सेटिंग IQ के फोन्स में बहुत पहले से आ रही है एंड Vivo ने यहाँ पर इसको अपनाकर बहुत ही तगड़ा काम करा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिरकार Vivo का V30 परफॉर्म कैसा करता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेबल प्रोसेसर है। 8 लाख का ऑनटूड स्कोर आ जाता है। CPU थ्रॉटल में भी जरा सा भी थ्रॉटल नहीं करता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। वैसे यहाँ पर मुझे ऑनटूड स्कोर पर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता है। मेरी अगर पर्सनल टेस्टिंग के बारे में बताऊं तो फोन यहाँ पर तूफान की तरह चलता है। एनिमेशन भी यहाँ पर आपको बहुत ही स्मूथ देखने को मिल जाते हैं। एप्लीकेशन बहुत प्यार से ओपन क्लोज हो जाती है। वहीं जो स्क्रोलिंग स्पीड है वो भी आपको रफ देखने को मिल जाएगी। नॉर्मल एज वेल एज हैवी टास्क आप इसमें इजिली कर पाओगे। मैंने इसे Realme 12 Pro Plus से भी कंपेयर करा था।
इसमें वीवो जल्दी BGMI को ओपन कर देता है, इवन वीडियो रेंडरिंग टेस्ट भी करा था, अगेन यहाँ पर वीवो ही जीत जाता है। प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस तो आपको तगड़ी मिलने वाली है, बाकी का मल्टीटास्किंग में हल्की सी ऑप्टिमाइजेशन की कमी है। इसके अंदर आपको 8GB की LPDDR4X रैम देखने को मिल जाएगी एंड ये कभी कभी एक दो एप्लीकेशन को रिलोड कर देता है। वीवो को अपडेट देकर इसको भी सॉल्व करना चाहिए। बाकी का नॉर्मली आप 5 से 6 एप्लीकेशन तो बैकग्राउंड में रख पाएंगे और तो यहाँ पर जो ऐप स्विचिंग है वो भी आपको बहुत ही स्मूथ देखने को मिल जाती है। वहीं मैं अगर बात करूँ इसकी UI की तो इसमें आपको फ्रंट टच OS देखने को मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड 14 के साथ आता है। 2 साल के आपको मेजर अपडेट एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे। फोन में आपको प्री इंस्टॉल ब्लॉटवेयर एप्स मिल जाती हैं जो कि खुद आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हॉट एप्स हॉट गेम्स वाला फोल्डर भी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 30,000 रुपए के फोन में बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन यहां पर मिलता है एंड आप इसको भी इजीली डिसेबल कर पाओगे। एक और खतरनाक चीज आपको वीवो V30 में देखने को मिल जाएगी जो कि इसका ब्राउजर एंड ये बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन देता है एंड आपका दिमाग खराब कर देगा। तो इसकी भी सेटिंग में जाना एंड सारी नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना, उसके बाद आपका वीवो V30 पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। बाकी का यहां पर सारे जरूरी फीचर्स आपको इस फोन में देखने को मिल जाते हैं, जैसे एप्लीकेशन को हाइड करना, एप्लीकेशन को लॉक करना, एप्लीकेशन डुअल क्रिएट करना यानी कि क्लोन एप्स बनाना, और तो यहाँ पर जो डायलर है वो भी नॉर्मल वाला दिया गया, तो आप आराम से इसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी विदाउट अनाउंसमेंट के कर पाएंगे। बात परफॉर्मेंस की चल रही थी, यहाँ पर गेमिंग की भी बात कर लेते हैं एंड इसमें मैंने BGMI दबा कर खेला है। ग्राफिक सेटिंग आपको मैक्स देखने को मिल जाएगी, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम यानी कि आप 60 FPS की गेमिंग इस फोन में इजिली कर पाओगे। TDM यहाँ पर बहुत तगड़ा चलता है, बहुत ही प्यारा रिएक्शन टाइम है, बहुत ही प्यारा आपको कैमरा मूवमेंट भी देखने को मिल जाता है। कैजुअल से थोड़ी तगड़ी गेमिंग आप इसमें कर पाओगे। FPS भी यहाँ पर 55-60 तक रहते हैं जो कि मेरे हिसाब से बढ़िया है क्योंकि ये फोन गेमिंग को टारगेट नहीं करता है। उसके बाद भी यहाँ पर आपको डिसेंट से अच्छी गेमिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आपके यहाँ पर मेन प्रायोरिटी गेमिंग करना ही है एंड आपको एक कोर गेमिंग के लिए फोन चाहिए तो इस फोन को मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि अंडर 30,000 रुपीज आपको और भी अच्छे गेमिंग फोन देखने को मिल जाते हैं लाइक IQ Neo 9 Pro, IQ Neo 7 Pro। ये फोन्स गेमिंग के लिए बने, गेमिंग के लिए आप इनको इजीली कंसीडर कर सकते हैं। चलिए यहां पर अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में जिसके लिए वीवो पहचाना जाता है, जो कि है यहां पर कैमरास। वीवो V30 के अंदर आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, ये सारी चीजें इसमें नहीं करी गई हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बात है। आपको ओनली यहाँ पर 2 कैमरास मिलेंगे, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। सीधे चलते हैं यहाँ पर रिजल्ट्स पर। नॉर्मली 50 मेगापिक्सल से बहुत बढ़िया शॉट्स आ जाते हैं, कलर्स भी बेहतरीन आते हैं, फोटो ओवरऑल खूबसूरत आता है। डिटेल्स में हल्की सी कमी है, अगर फोटो को जूम करोगे तो फेस पर हल्का सा ब्लर दिखेगा जो कि इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। इवन मैंने डायरेक्ट सनलाइट में भी फोटो लिए थे, यहाँ पर भी लाइट बहुत सही तरीके से मैनेज हो जाती है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से इसके फोटो काफी आ जाते हैं, इवन डायनेमिक रेंज को भी ये बहुत सही तरीके से कंट्रोल कर लेता है। बात करें यहाँ पर पोर्ट्रेट्स की तो आप 2x डिजिटल जूम करके इसमें पोर्ट्रेट ले सकते हैं, क्वालिटी तगड़ी आती है, ब्लर भी ठीक ठाक आता है, कलर्स भी वाइब्रेंट आते हैं, खासकर स्किन टोन काफी ज्यादा बेहतरीन आती है। लेकिन एज डिटेक्शन में इश्यू है जो कि ऑब्वियस है क्योंकि डिजिटल जूम करके फोटो लेता है। अगर आपको तगड़े पोर्ट्रेट चाहिए तो आप रियलमी 12 प्रो प्लस को कंसिडर कर सकते हैं, वहां पर आप 3x ऑप्टिकल जूम करके इसी प्राइस रेंज में बहुत तगड़े पोर्ट्रेट शॉट्स ले पाएंगे। वहीं मैं अगर बात करूं अल्ट्रा वाइड की तो 50 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड है वो काफी तगड़ा काम करता है, डिटेल्स मस्त आती है, फोटो ब्राइट आता है, कलर्स भी आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन डायनेमिक रेंज कंट्रोल में फीका पड़ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्काई है उसको ये पूरा ब्लोन अवे कर देता है। पर्सनली यहाँ पर मुझे इसके कैमरास बढ़िया लगे, खासकर स्किन टोन, ओवरऑल यहाँ पर जो फोटो निकल कर आता है वो आपको एकदम खूबसूरत देखने को मिल जाएगा। बाकी का यहाँ पर जो वीडियो है वो इतनी खास आपको देखने को नहीं मिलती, वीवो को यहाँ पर काम करने की जरूरत है। मैक्स आप 4K 30 FPS पर वीडियो बना पाओगे, वीडियो में डिटेल्स अच्छी आती है, डायनेमिक रेंज कंट्रोल भी आपको अच्छा मिल जाता है, वीडियो शार्प बनती है, लेकिन जो स्टेबलाइजेशन है वो इतना खास नहीं है। नॉर्मली चलने पर फोन ब्रेकडाउन करने लगता है, स्टेबलाइजेशन आपको बिल्कुल ही बेकार देखने को इसमें मिलेगा। बाकी का यहाँ पर ये अच्छा है कि फ्रंट कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही तगड़ी सेल्फी लेता है, डिटेल वाली सेल्फी आती है, कलर्स, डायनेमिक रेंज, स्किन टोन सब मस्त आती है। इवन पोर्ट्रेट सेल्फी में भी आपको काफी तगड़ी डिटेल देखने को मिल जाएगी, ब्लर अच्छा होता है, फोटो भी अच्छा खासा शार्प आपको देखने को मिल जाएगा। वही मैं अगर बात करूं फ्रंट कैमरे की वीडियो की तो मैक्स आप 4K 30 FPS पर वीडियो बना पाओगे जो कि फ्रंट कैमरे के हिसाब से बहुत बढ़िया है, वीडियो काफी शार्प एंड डिटेल वाली बनती है, डायनेमिक रेंज कंट्रोल भी मस्त है, इवन स्टेबलाइजेशन भी आपको इसमें तगड़ा देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर आप चाहें तो इसके फ्रंट कैमरे से एक बहुत अच्छी रील्स या शॉर्ट वीडियो शूट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कैमरास के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो जितने भी फोटोज हैं वो सारे गूगल ड्राइव पर डाल दूंगा, डाउनलोड करके आप खुद भी बारीकी से चेकआउट कर सकते हैं कि इसके कैमरास आपके लिए कैसे वर्क कर रहे हैं। सो यहाँ पर मेन कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमको क्या करना चाहिए। वीवो V30 में अपने पैसे डालने चाहिए, इस फोन को स्किप करना चाहिए? तो देखो फोन परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा तगड़ा है, मैंने इस फोन को जितना भी यूज करा फोन बहुत ही तगड़ा चलता है, 120 हर्ट्ज भी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है,
डिस्प्ले आपको कर्व देखने को मिल जाता है, वो भी 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ, जो कि काफी तगड़ी चीज है। कैमराज भी इसके प्राइस के हिसाब से बढ़िया रिजल्ट देते हैं। बाकी का जो डिजाइन है वो तो स्लिम ट्रिम है ही। बस यहाँ पर अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट्स तगड़े चाहिए, डुअल स्पीकर का साउंड चाहिए, वीडियो में स्टेबलाइजेशन अच्छा चाहिए, और तो अगर आप एक कोर गेमर हैं, गेमिंग के लिए फोन लेने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर ये फोन आपके लिए नहीं बना। आप इस फोन को इजीली स्किप कर सकते हैं। सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगर वीडियो आपको जेन्युइनली अच्छी लगी तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, बहुत से लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी का चैनल की हेल्प करना चाहते हो तो अमेजोन से कुछ भी बाय कर लेना। रियलमी 12 प्रो प्लस एंड वीवो V30 में कन्फ्यूज हो तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर।